तो वहीं जिला पंचायत चुनाव को लेकर लोग अपने अपने क्षेत्र से सक्रिय होने शुरू हो गए हैं। तो वहीं इकबालपुर के गेंदा पाडली क्षेत्र से भी लोगों ने प्रधान सीट पर, बीडीसी सीट पर वे जिला पंचायत सदस्य पद से चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने दावे पेश करने शुरू कर दिए हैं। अब्दुल कादिर ने बताया कि गांव में कई बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, सड़कों के निर्माण को लेकर, सभी समस्याओं से क्षेत्र के लोगों को आए दिन दो चार होना पड़ता है। वहीं ललित कश्यप क्षेत्र निवासी का कहना है कि गेंदा पाडली क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। बिल्कुल सही है, इनके मुद्दे तो बिल्कुल सही है कि लड़कियां स्कूल जाती हैं साइकिल से, स्कूल जाते हैं, यहाँ इंटर कॉलेज भी नहीं है, गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है, इसका भी निर्माण के लिए। और कादिर भाई को हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे और इन्हें जिता के भेजेंगे यहाँ से। अस्पताल बिल्कुल होना चाहिए, हमें 10-12 किलोमीटर रुड़की पड़ता है हमारे से, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई एम्बुलेंस भी टाइम पर नहीं पहुँच पाती है, तो एक हॉस्पिटल भी होना बहुत जरूरी, बहुत बड़ी समस्या है। पूरी पूरी उम्मीद है, युवा है, युवा नेता है, युवा तो काम करेगा ही करेगा, अपनी बात भी रखेगा ब्लॉक में, नहीं तो बीडीसी मेंबर का यहाँ पर रात तक कोई पंचों गांव में कोई बोर्ड भी नहीं लगा, ना कोई हेडपम्प है, ना कोई लाइट है, अपनी वोट जैसे भी प्रमुख बना देते हैं, ना प्रमुख के पास जाते हैं, आम जनता परेशान है, आज तक पंचों गांव में कोई भी बीडीसी का बोर्ड नहीं। जी आप हमारे यहाँ पे गाँव में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यहाँ से बीडीसी के मुद्दे ये हैं कि बीडीसी का जो मेंबर बनता है वो ब्लॉक प्रमुख चुनता है, वो प्रस्तावक होता है गांव का। हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि हमारे गांव में जो ब्लॉक स्तर से योजनाएं आ रही हैं उनको यहां पर धरातल पर उतारा जाए, जैसे कि ब्लॉक से फुलवारी मिलती है गांव में लगाने के लिए, आज तक वो किसी भी सदस्य से कोई नहीं लेके आया गाँव में। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि गाँव में फुलवारी लगाई जाए, जो पार्क वगैरह एक बनाया जाए, बुज़ुर्गों को बैठने के लिए सिट बेंच की व्यवस्था की जाए, और जी खंभों पे लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। और गांव में जल निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नालियां बिल्कुल अटी पड़ी है, उसको भी साफ़ सुथरी कराने की एक मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और एक चीज़ और है कि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर रुड़की पड़ता है, और हमारे यहाँ की बच्चियाँ पढ़ने के लिए साइकिल से जाती है। हमारी एक प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर हम बीडीसी जीतते हैं, ब्लॉक में बैठ के प्रमुख के माध्यम से शासन को एक प्रस्ताव भेजेंगे कि हमारे यहाँ से कोई